मैं फिर अपनी फेहरिस्त का एक नायाब दोहर आपके हवाले करूं, इसलिए कि वक्त बिल्कुल नहीं है और आप सब सुनने के लिए बैठे हैं शोरा को। मैं गुजारिश कर रहा हूं एक और मुतरन्निम शायर के, जिसे पूरा हिंदुस्तान बड़ी मोहब्बतों से सुन रहा है, वो जहां नहीं पहुंचे उनका कलाम वहां पहुंचा। मैं बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम आमिर फैजाबादी साहब की खिदमत में कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। आप हजरात बाबाज बलंद नारे सलावत से आमिर फैजाबादी साहब का इस्तकबाल फरमाइए। फरशे महफिल पर मौजूद मौजूद शुरा कराम व सामने कराम, सबसे पहले मैं आप हजरात को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूं और बगैर किसी तमहीद के एक मतला चंद शेर हाजिर करता हूं। समात फरमा एक सलावत पढ़ दे बाबा जी। एक और सलवात पढ़ दे बाबा जी। बोला करता हूँ चार मिसरे पेश करता हूँ। मौलाना आमद हैदर से ऐसा हो गया, 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 बुत कदा काबा था किबला हो गया, आमद हैदर से ऐसा हो गया, आमद हैदर से ऐसा हो गया, बुत कदा काबा था किबला हो गया। बहुत अच्छा आप हतरा सुन रहे हैं। आमद हैदर से ऐसा हो गया, बुत कदा काबा था किबला हो गया, बुत कदा काबा था किबला हो गया, कुछ नमाजें देख कर हैरान हैं, कुछ नमाजें देखिए सुभान अल्लाह, आप ही लोगों को कहना पड़ेगा। मैं वो शायर नहीं हूं कि खुद से सुभान अल्लाह भी कहूंगा। आमद हैदर से ऐसा हो गया, बुत कदा काबा था किबला हो गया, और दाद देना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। जैसे मैं दूसरा मिसरा खत्म करूं वैसे आपको वाह 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 करना, बस इतनी सी इतना समझा कर मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ेगा। आमद हैदर से ऐसा हो गया, बुत कदा काबा था किबला हो गया। देखिए महफिल का ये नियम है, शेर समझ में आए आए ना आए, अच्छा लगे ना लगे, जब घर से आ गए हैं तो वाह करना ही पड़ेगा। आमद हैदर से ऐसा हो गया, बुत कदा काबा था किबला हो गया। ये शेर पढ़ता हूँ पूरे मजमे की तवज्जो। तुम करो जितना भी इनकार गदीर, तुम करो जितना भी इनकार गदीर, पूरे मजमे की तवज्जो। तुम करो जितना इनकार गदीर, तुम करो जितना भी इनकार गदीर, तुम करो जितना भी इनकार गदीर, तुम करो जितना भी इनकार गदीर, जिसको होना था वो मौला हो गया। नारे आ
आमद हैदर से ऐसा हो गया, बुत का दा का बात क़िबला हो गया। आमद हैदर से ऐसा हो गया, बुत का दा का बात क़िबला हो गया। आमद हैदर से ऐसा हो गया, बुत कदा वकार भाई इनको समझाएंगे कि आमिर से अच्छा पढ़ा। आमदे हैदर से ऐसा हो गया, बुत कदा काबा तकबला हो गया, बुत कदा काबा तकबला हो गया, इन इन बुत कदा काबा तकबला हो गया। है बते मश्के सकीना देखिए, है बते मश्के सकीना देखिए, नहर पर गाजी का कब्जा हो गया। है बते मश्के सकीना देखिए, नहर पर गाजी का कब्जा हो गया, नहर पर गाजी का कब्जा हो गया। फौज पर असगर का हमला हो गया, नारे हैदर से ऐसा हो गया, बुत कदा काबा था क़िबला हो गया। कभी कभी मिस्रों पे बात दिया करिए, हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ सबसे अच्छी खूबी जो है वो ये है कि वहाँ मिस्रों पे दाद मिलती है, वहाँ मिस्रों पे दाद मिलती है। मैं चाहता हूँ कि वही कानून इंडिया में भी लागू हो जाए, वरना माइक पर किसी दिन कोई शायर दम तोड़ देगा और केस चलेगा आप लोगों के ऊपर। आमद हैदर ऐसा हो गया, आमद हैदर से ऐसा हो गया, आमद हैदर से ऐसा हो गया, बुत कदा काबा तकबला हो गया। है बते मश्के सकीना देखिए, नहर पर गाजी का कब्जा हो गया। हमले अकबर से संभली ही न थी, फौज पर असगर का हमला हो गया, फौज पर असगर का हमला हो गया। हासिल कलाम शेर, कम हुआ कुछ दर्दे पहलू वे बतूल, 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 कातिलों पर जब तबर्रा हो गया। आमदे हैदर से, आमदे हैदर से ऐसा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया, बुत कदा काबा तकबला हो गया। भाईजान माइक ऐसा बना दीजिए कि मैं एक बार बोलूं ये चार बार बोले। आमदे हैदर से, और माइक ऐसा चल रहा है जैसे मोदी जी देश चला रहे हैं। आमदे हैदर से ऐसा हो गया, बुत कदा कदा काबा तकबला हो गया। आमद हैदर से ऐसा हो गया, बुत कदा काबा तकबला हो गया, बुत कदा काबा तकबला हो गया। हश्र तक जिसका बदल मुमकिन नहीं, हश्र तक जिसका बदल नहीं, हश्र तक जिसका बदल मुमकिन नहीं, हश्र तक जिसका बदल मुमकिन
जेरे खंजर ऐसा सजदा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया, बुतकदा काबा तकबला हो गया। बहुत शुक्रिया। यहाँ से एक मतला चंशे हाजिर करता हूँ, मुलादा फरमाए, एक सलवात पढ़ने बाद जनाबे शेख ज़ाहिर में बड़े अल्लाह वाले हैं, जनाबे शेख ज़ाहिर में बड़े अल्लाह वाले हैं। थोड़ा सुनिएगा, जनाबे शेख ज़ाहिर में बड़े अल्लाह हवाले हैं, जनाबे शेख ज़ाहिर में बड़े अल्लाह हवाले हैं, मगर हाँ दिल के अंदर कुछ गदीर खुम के छाले हैं, मगर हाथ के अंदर कुछ मगर हाँ दिल के अंदर कुछ गदीर खुम के छाले हैं। वो और शायर होंगे जो दाद मिलने पे एक घंटा पढ़ते, बगैर दाद के एक घंटे की प्रैक्टिस मैंने कर रखी है। जनाबे शेख में बड़े अल्लाह वाले हैं। अब ये शेर पढ़ता हूँ और पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूँ मौलाना फरमाए। ये शेर ऐसा शेर है जो मैं पढ़ूंगा वो भी सही होगा और जो आप समझेंगे वो भी सही होगा। अब शेर पेश करता हूँ मौलाना फरमाए। सतीफा में जो हंगामा है उसको आप यूं समझें, सतीफा में जो हंगामा है उसको आप यूं समझें, जो हंगामा है उसको आप यूं समझें, अली के बूफ में कुछ क्यों ने पर निकाले, अली के बूज में कुछ चूँ टियो ने पर निकाले। हैदर भाई, यही मिसरा एक बार मैंने बॉम्बे में पढ़ा तो दरमियान से एक साहब खड़े हुए, बोले आमिर साहब। मैंने कहा जी साहब। उन्होंने कहा जो अभी आपने पढ़ा है, अली के बुक्स में कुछ चींटियों ने पर निकाले हैं, वो लव चींटी नहीं है। हमने कहा सरकार, जहाँ तक मुझे मालूम है वो लव चींटी ही है। वैसे आप बता देंगे तो मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा वो लव चींटी नहीं है, वो लव चींटी। तो हमने कहा सरकार, पढ़े लिखे लोग जो है वो चींटी ही बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग जो है वो चींटी ही बोलते हैं और आप जैसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है वो चींटी बोलते हैं। तो अपनी जगह के मैं भी सही हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा लिखा हूँ। अपनी जगह पे मैं भी सही हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा लिखा। अपनी जगह पे आप भी सही हैं क्योंकि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप जैसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही चींटी को चींटी बोलते हैं, तख्त को तख्त बोलते हैं, सख्त को सख्त बोलते हैं, उम्र को उम्र बोलते हैं। सही क्या है, गलत क्या है? चींटी सही है, चींटी गलत है, तख्त सही है, तख्त गलत है, सख्त सही है, सख्त गलत है, उम्र सही है, उम्र गलत है। सकीफा में जो हंगामा है उसको आप यूं समझे, सकीफा में जो हंगामा है उसको आप यूं समझे,
अली के बोग्स में कुछ क्यों तियों ने पैर निकाले है। अब आप जब सौगंध खा के आए हैं तो मैं कुछ नहीं करता। अली के बोग्स में कुछ क्यों तियों ने पैर निकाले है। हर हर पूरे को बाचों की तरह पाला है जहरा ने। हर हर पूरे को बाचों की तरह पाला है जहरा ने के कुरआ के दहन में भी इसी घर के के कुरआ के दहन में भी इसी घर के निवाले के कुरआ के दहन में भी इसी घर के निवाले है। मुहर्रम नजदीक एक शेर पेश करता हूँ, पूरे मजमे के तवज्जो चाहता हूँ। मुलादा फरमाए के कुरआ के दहन में भी इसी घर के निवाले है। अभी 2 लाख की ये फौज, इस शेर पे बॉम्बे वाला नारा लगेगा। अभी 2 लाख की ये फौज लाशों में बदल जाए। अभी 2 लाख की ये फौज, पूरे मजमे की तवज्जो। अभी 2 लाख की ये फौज लाशों में बदल जाए। अभी 2 लाख की ये फौज लाशों में बदल जाए। खुदा का शुक्र है अब्बास को ज़ैनब संभाले है। हम सब पे बोलो, जरा जोर से बोलो, सब मिल के बोलो, जहरा का सोहर, हस्तान का पापा, काबे का काबा, डूबो का किनारा, मरियम का नारा, मौला ए कंबर, आका अबू जर, बलिया से बढ़कर, बलिया से बढ़कर, हम सब का लीडर, हम सब का अभी 2 लाख की ये फौज लाशों में बदल जाए। खुदा का शुक्र है अब्बास को ज़ैनब संभाले। जब मुझे दाद नहीं मिलती तो मैं लड़ाई नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि आज पब्लिक मुझे गौर से सुन रही है। खुदा का शुक्र है अब्बास को ज़ैनब संभाले है। फरिश्ते सब को फेंकेंगे उठा थे नार दोज़ख में। न देखेंगे रसूल अल्लाह के ससुराल वाले, न देखेंगे रसूल अल्लाह, न देखेंगे
रसूल अल्लाह हके ससुराल वाले हैं जहां ने जुल्म हर लम्हा पे आजार बैठे हैं जहां ने जुल्म हर लम्हा पे आजार बैठे हैं मगर वो क्या करे दिल में मेरे मुख्तार बैठे हैं नबी आले नबी के तज़किरे से दिल को नफरत है चले जाए वो महफिल से यहाँ बेकार बैठे नरे ए दरी चले ले जाए वो महफिल से यहाँ बेकार बैठे हैं ये तो पक्का होगा कि केस आप लोग के ऊपर चल रहा ही है नबी आले नबी के तज़किरे से जिन को नफरत है चले जाए वो महफिल से यहाँ बेकार बैठे हैं एक होता है रहनुमा एक होता है स्वघोषित रहनुमा अब शेर पेश करता हूं मौलाना फरमाए वो जिनको हमने देखा था शराबों की दुकानों पर वो जिनको हमने देखा था शराबों की दुकानों पर वो बनकर आजकल मजहब ठेकेदार वो बन कर आज कल मजहब के ठेकेदार बैठे हैं आखिरी शेर बहुत शुक्रिया वो बन कर वो बन कर आज कल मजहब के ठेकेदार बैठे हैं आखिरी शेर वो बन एक चाय वाले ने पूरे देश को बर्बाद कर रहा है ये तो महफिल है वो बन कर आज कल मजहब नारे हैदरी वो बन वो बन बन कर आज कल मजहब के ठेके दार बैठे हैं वो बन बन कर आज कल मजहब के ठेके दार बैठे आखिरी शेर ज़हमत तमाम तमाम अगर जन्नत में जाना खाने में आ जाओ अगर जन्नत में जाना है अजा खाने में आ जाओ अजा खाने के अंदर खुल्द के सरदार बैठे हैं अजा खाने के अंदर खुल्द